हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में विश्व की प्रमुख झीलों को लाने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है उस झील का नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा नाम? कैस्पियन सागर। ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। और यह कौन से देश से संबंध रखती है? तो ये भी जान लीजिए कि यह झील रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, चार देशों से ये संबंध रखती है। मतलब इसका कुछ भाग रूस में है, कजाकिस्तान में है, अजरबैजान में है, ईरान में है। और इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे बड़ी झील है। मतलब पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? कैस्पियन है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर है। अगली झील है बैकाल झील। बैकाल झील कौन से देश से कॉन्ट्रैक्ट रखती है? रूस से। और इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे गहरी झील है। अगर पूछा जाए पेपर में कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो कौन सी है? बैकाल झील है। अगली झील है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। यह कौन से देश से संबंध रखती है? तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और युगांडा। और इसकी विशेषता क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगर पेपर में पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अगली झील है अरल सागर। अरल सागर यह कौन से देश से कॉन्ट्रैक्ट रखती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। और इसकी क्या विशेषता है? सिकुड़ती हुई झील। इस झील का नाम क्या है? सिकुड़ती हुई झील है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सिकुड़ती हुई झील किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अरल सागर को कहते हैं। अगली देखिए, अगली झील है टांगानिका। टांगानिका झील। टांगानिका झील यह कौन से देश से संबंध रखती है? तंजानिया और जाम्बिया। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे लंबी झील है, लेकिन काहे की है? मीठे पानी की। अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? टांगानिका झील। टांगानिका झील। अगली झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कौन से देश से संबंध रखती है? पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे ऊँची झील है। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊँची झील कौन सी है, तो कौन सी है? टिटिकाका। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगली झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील यह कौन से देश से कॉन्ट्रैक्ट रखती है? यूएसए और कनाडा से। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी झील। काहे की? मीठे पानी की। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, तो कौन सी है? सुपीरियर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो इन दोनों को बेसिकली याद रखना, क्योंकि ये दोनों झीलें बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। अगली झील है मिशिगन झील। मिशिगन झील यह कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा में है। और इसको कौन से शहर से जाना जाता है? इसको जाना जाता है शिकागो शहर के किनारे, क्योंकि यह शिकागो शहर के किनारे स्थित है, इसलिए इसको शिकागो के नाम से भी जाना जाता है। अगली झील है बान झील। अगली कौन सी झील है? बान झील है। और यह कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। अगर पूछे जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है जहाँ पर लवणता ज़्यादा है, उस झील में क्या है? लवण ज़्यादा है। लवणता का मतलब है लवण। तो लवणता वाली झील कौन सी है? बान झील है। अगली झील है नायासा झील। अगली कौन सी है? नायासा झील। यह कहाँ पर है? मालावी और तंजानिया। और इसकी विशेषता क्या है? इसे मालावी झील भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि नयासा झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो मालावी झील भी कहा जाता है। अगली झील है लगोड़ा झील। अगली कौन सी झील है? लगोड़ा झील। और यह कहाँ पर है? रूस में है। और इसकी अगर पूछा जाए विशेषता क्या है, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अगर पेपर में पूछा जाए कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? लगोड़ा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अगली झील है बोस्तोक झील। कौन सी है? बोस्तोक झील। और यह कहाँ पर है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका।
और इसकी विशेषता क्या है? अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? बोस्टोक। कौन सी झील है? बोस्टोक। अगली झील है ताना झील। कौन सी है? ताना झील। यह कहाँ पर है? इथोपिया। इथोपिया में यह स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? नील नदी का उद्गम। मतलब इसकी ये विशेषता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? नील नदी का उद्गम, मतलब नील नदी से इसका उद्गम हुआ है, यह उत्पन्न हुई है। अगली झील है तिमसाह झील। कौन सी झील है? तिमसाह झील। ये कहाँ पर है? मिस्र में है। और इसकी विशेषता क्या है? नील नदी के डेल्टा में स्थित। अगर पूछा जाए कि तिमसाह झील कहाँ पर स्थित है, तो नील नदी के डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पर है? नील नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछी जाती है, वो कौन सी झील पूछी जाती है? कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील। ये दो झीलें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, सभी प्रकार के एग्जामों में पूछी जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। अगर झील से क्वेश्चन आता है और विश्व की झीलों के बारे में अगर पूछा जाता है, तो इन्हीं दो झीलों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को विश्व की जो झीलें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। जो भी डाउट आपके हुआ करें कमेंट में कर दिया करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah.